तुम हमारे पास आओ। मैंने बोला नहीं, हम ऐसे तो आपके साथ में वो सीखते थे, वो उन्होंने कुश्ती भी सीखा? साथ नहीं, हाँ। जो हमारा गुरु था वो ही धर्मेंद्रा गुरु था। अच्छा, मिंद्र पहलवान। मिंद्र पहलवान, अच्छा वो पहलवानी भी सीखे थे? पहलवानी भी सीखे उन्होंने? पहलवान भी करे धर्मेंद्र। अच्छा, तो दोस्तों अभी उसी शॉप पे पहुंच चुका हूँ। ये जो सामने आप शॉप देख रहे हैं ये वाली, इसी शॉप पे धर्मेंद्र जी मिठाइयाँ खाते थे, जो बचपन में इन्हीं हलवाई जी के पास आया करते थे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, और जो वहाँ इनके ये जो ऑनर है उनसे भी बात कराएंगे। तो ये गली है और इसी गली में अंकल जी की शॉप है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा। तो अभी हम उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जिस जगह पर आप हमारे कैमरे में जिस अंकल की तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं अंकल की शॉप पर वो मिठाई खाते थे हमारे जो धर्मेंद्र पासी, जो जिनका नाम बीरू रखा गया। बीरू कहते ना कब, छोले वाले, छोले वाले बीरू। हाँ, तो अंकल जी की शॉप पे मिठाइयाँ खाते थे, और मैंने एक वीडियो देखा था, डांस इंडिया डांस वाले रिकॉर्ड करके ले गए थे आपके यहाँ से। तो आप वहाँ पे बता रहे थे कुछ चोरी से आते थे अपने पिताजी के खाते पर, चोरी से मिठाइयाँ यहाँ पे खाते थे। तो अंकल जी से भी सारी कुछ जानकारी लेंगे, और अभी अंकल जी की मिठाई की दुकान पे पहुंचे। और सबसे पहले अंकल जी अपना नाम बताए। मेरा नाम मेंटू है, मेंटू। और अंकल जी बताइए कुछ धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र जी के बारे क्या बताए जी, बढ़िया बंदे थे। हाँ, यानी कि पिंड च आते जाते रहते ने हजे भी, बहुत बढ़िया बंदे ने। और उन्होंने बचपन यहाँ पे गुजारा, उनके पिताजी यहाँ पे प्रिंसिपल थे। हाँ, उन्होंने पिताजी मास्टर केवल किशन, ये स्कूल से प्राइमरी स्कूल से पढ़ाते थे। अच्छा, आप पर्सनल कभी धर्मेंद्र जी से मिले हो? एक बार ही मिले। एक बार मिले, तो क्या बोले थे? वो बोले थे कि छोटे हम कहें दुकान पर जरूर आएंगे। दुकान पर जरूर आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं, और रश बहुत हो गया। अच्छा, करके आ नहीं होया। लेकिन ये हमारा जो वीडियो धर्मेंद्र पाजी तक जब पहुंचेगा, तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक बार अंकल की दुकान जरूर विजिट करें, अंकल से मिलने जरूर आए। बड़ी दिली ख्वाहिश है अंकल। मेरे को बोले थे, फोन किया था कि मेरे को मिलना है ना, चंडीगढ़ आ जाओ। चंडीगढ़? हाँ, फिर जा नहीं होया। मैं चंडीगढ़ अंकल कैसे जा पाते, क्योंकि देखो अंकल का धंधा पानी है, यहाँ से देखेंगे। तो धर्मेंद्र पाजी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे धर्मेंद्र जी को अगर वीडियो पहुँचता है तो? एक बार जरूर मिलने की तमन्ना वा। बड़ी दिली इच्छा है धर्मेंद्र जी से। पूरी होन लगी जी, थोड़ी जी रह गई। थोड़ी सी रह गई। एक बार मिलने तो दिल खुश हो जाए, खुश हो जाए। अंकल जी आपकी शॉप वैसे कहाँ पे, अपने शॉप का नाम बता दें। लंबड़दार स्पीड शॉप, साधु राम प्रीतम सिंह लंबड़दार। तो धर्मेंद्र जी जब आते थे आपके पास, तो कौन से सबसे ज्यादा मिठाइयाँ खाते थे? वो ज्यादा लस्सी के शौकीन थे। लस्सी के? लस्सी, हाँ, जहाँ ऐसे गड़बे वाली लस्सी बनती थी, वो दे बहुत शौकीन थी। और हमें पता चला कि आपकी दुकान पे पूरा दिन बैठा है। गाजर बाग दे बहुत शौकीन थी, गाजर बाग अभी तक जानता। गाजर बाग भी खाते थे? हाँ, अभी भी जानता गाजर बाग। और पता चला कि अपने पिताजी के खाते को उधारी में खाते, चुपके से खाते थे? हाँ, वो साढ़े बुजुर्ग थे ज्यादा, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹਮੇ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਕਿ ਆਪਕੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਆਪ ਪਕੜ ਲੋ ਇਸਕੋ। ਬਰਫੀ, ਗਾਜਰ ਬਾਗ, ਬੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਲੱਡੂ, ਬਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਪਤੀਸਾ, ਢੋਡਾ, ਸਮੋਸਾ, ਮਟਰ, ਨਮਕੀਨ। ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਆਪਕੀ ਕਿਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ 80-90 साल पुरानी। आपके जो पाप पिताजी होंगे वो भी शॉप चलाते होंगे ना? पिता मेरा मेरा बाबा जी करते थे, ते पापा ने की थी, उस बाद मैं आया। तो जब वो एक बार वो जो क्या होता है ना, एशियन पेंट के जो वो लोग आए थे लेकर धर्मेंद्र जी को, जो उनके घर में फोटो वगैरह लगा के सारा डेकोरेट किया। हाँ। और इसी गली से गए थे? इसी गली। तब आपकी मुलाकात हुई उन्होंने से? हुई धर्मेंद्र से। हाँ, मुलाकात हुई संता के डेरे में। अच्छा, जो संता का डेरा है ना, ये जो बना है यहाँ पे बैठ बैठने वाला ना, इधर डेरा अंदर है बड़ा सारा। अच्छा, वहाँ मुलाकात हुई। हाँ, वहाँ ही बोले थे, कहते छोटे हम जरूर आएंगे दुकान पर। एक चीज आप बताइए अंकल, जब बचपन में यहाँ पे वो पढ़ने पढ़ते थे, तो आप
क्लासमेट थे साथ में पढ़े लिखे? नहीं, मेरा ताया पढ़े नाल। अच्छा। हमारे ताया जी पढ़े ने, देव प्रकाश पाठक। अच्छा। वो पढ़े। ठीक है अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र जी तक अगर वीडियो पहुंचेगा तो एक बार हम भी यही गुजारिश करेंगे कि आपसे जरूर मिलने। मैं तमन्ना साड़ी भी मिल दी भाई, मसा मसा तमन्ना पूरी होने लगी सी। बस उत्थे मिले जरूर, फोटो फूटो नहीं खिचा हुई है। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।